हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय महत्वपूर्ण विषय है, खास आप लोगों के लिए। छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी काम के लिए है ना, इसके बारे में समझो। आप ऊंचाई पर जा रहे, आपकी बाइक ऊंचाई पर, और अचानक कुछ कारणों के वजह से बाइक का इंजन बंद हो गया है ना, बाइक बंद हो गई, तो आपको कैसे चालू करना है, कैसे आगे करना है ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों याद रखना है, बाइक अगर ऊंचाई पर है, अगर इंजन अगर बंद होगी, तो उस समय अगर हम लोग ब्रेकिंग नहीं करोगे तो हमारी बाइक नीचे नीचे आएगी है ना। दोस्तों बाइक नीचे नीचे आ जाएगी, लेकिन पीछे बाजू जो व्हीकल होगे, जो भी गाड़ियां होगी, उनके साथ टकराएगी, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो कैसे हमें हैंडल करना है देखते। अभी बाइक हम लोग चलाते, प्लेन रोड होगा तो हम लोग कैसे भी बाइक को स्टार्ट कर सकते, लेकिन ऊंचाई पर हमें बाइक को स्टार्ट करने के लिए कोई कोई बाइक में सेल्फ नहीं होता है, किक से स्टार्ट करना है ना, ये भी चीज होता है। अगर सेल्फ नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रकार के सिचुएशन में, हमें तो किक मारना पड़ेगा। लेकिन किक मारते तो उस समय हमारा जो ये जो ब्रेक है, ये ब्रेकिंग नहीं हम लोग कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो फ्रंट व्हील का जो ब्रेक है, जो हाथ का जो ब्रेक है, इसको कस के हमें पकड़ना पड़ेगा, कस के पकड़ना, यानी वो ब्रेकिंग करने की वजह से गाड़ी हिलेगी नहीं, पीछे जाएगी नहीं है ना, ऊंचाई पर है गाड़ी, नीचे नहीं यानी पीछे की तरफ गाड़ी आएगी नहीं, उसको पकड़ के रखिए है ना। वो पकड़ के रखने के बाद आपका ये जो पैर है ना, किक मारने के लिए फ्री हो जाएगा। उधर का पैर तो आपका जमीन के ऊपर रखा गया है ना, वो जमीन पे ऊपर पैर रखा गया है, और ये जो किक है वो आप आसानी से मार सकते हैं। अभी किक मारने के बाद जो ब्रेक मारा है ना आपने है ना, उसका थोड़ा सा एक्सीलेटर आपने दिया है, ब्रेक पकड़ के दिया है थोड़ा सा है ना, यानी गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्ट होने के बाद आपको घेर में कैसे डालना है, क्योंकि उधर का पैर तो आपका जमीन के ऊपर है, घेर में डालने के लिए उधर का पैर को तो आपको उठाना पड़ेगा है ना। तो अभी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका जो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो इधर का जो पैर है ये ब्रेकिंग कर दो, ये ब्रेक को मार दो, ये ब्रेकिंग मारेगी बाद में गाड़ी पीछे नहीं जाती, उसको खोल दो, ये जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक है, इसको निकाल दो है ना, इसको ब्रेक को मार दो। फिर से आपको डबल बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कंफ्यूज होने वाली बात है ऊंचाई के ऊपर, बहुत जन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते क्या करे, ऐसे रहते क्या करेंगे, गाड़ी नीचे नीचे आ जाएगी। फिर से बात, अगर ऊंचाई पर आप जा रहे, कुछ कारणों की वजह से आपकी बाइक बंद हो गई, इंजन ही बंद हो गई, फिर से स्टार्ट करना है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ब्रेकिंग का तो सिस्टम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे बाजू भी गाड़ियां हो सकती है, उनको भी टकरा सकते हैं, ऐसे सिचुएशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, क्योंकि बाइक के लिए दोनों हाथ और दोनों पैर काम पर लगते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कोई कोई बाइक में जैसे कि सेल्फ नहीं होता है तो किक से स्टार्ट करना पड़ता है ना, या कभी कभी सेल्फ से अगर बाई चांस स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, ऐसा समझो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ से स्टार्ट हो रही तो कुछ बात नहीं, लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही तो किक से स्टार्ट करना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, किक से स्टार्ट करने के लिए उधर का पैर हमारा जमीन के ऊपर है ना, इधर का पैर को तो हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि किक लगवाने के लिए, किक मारने के लिए है ना, किक मारने के, लेकिन किक मारने के लिए हमें फिर बाइक नीचे नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आगे का जो फ्रंट व्हील है तो उसको, ये जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक है, इसको कस के दबाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा अपने, यानी ताकि वो बाइक नीचे न आ गए है ना, नीचे नीचे नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो हैंडल का जो ब्रेक है उसको हमें कस के पकड़ना है, यानी बाइक नीचे नहीं आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा जो पैर है इधर का क्लच किक मारने वाला, वो अभी फ्री हो गया, उसका कुछ काम नहीं है ना, तो हमें वो किक मारना है। किक मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, अभी उधर का पैर तो हमें गियर शिफ्ट करने के लिए उठाना पड़ेगा है ना, उधर का पैर उठाना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इधर का जो अभी जो पीछे का जो व्हील का जो ब्रेक है, इसको पहले हमें प्रेस करना पड़ेगा, इधर वाले पैर ने, इधर वाला पैर है उससे हमें ये ब्रेक को प्रेस करें, ये ब्रेक को प्रेस करेंगे तो गाड़ी पीछे नहीं, बाइक पीछे नहीं जाएगी। ये पीछे जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गियर है वो चेंज कर सकते हैं, उधर का हाथ तो हमारा जो फ्री है, लेफ्ट वाला क्लच वाला है ना, क्लच अपने और ओढ़ के गियर, फर्स्ट गियर हम लोग डाल सकते हैं। अभी गाड़ी मेन सिचुएशन है, गाड़ी को स्टार्ट किया है लेकिन आगे लेके जाना है, तो आगे लेके जाते समय हमें क्या करना पड़ेगा है ना, ये बात है, क्योंकि हमें
क्लच छोड़ना है, लेकिन उसके साथ साथ थ्रोटल को रेस को भी देना है ना, यानी हमारा दोनों हाथ अभी फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि हम लोग ने उधर का पैर से तो हम लोग ने गियर को शिफ्ट किया फर्स्ट गियर में, और दूसरा पैर है वो इस यहाँ से तो हम लोग ने ब्रेकिंग किया है, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। दोनों हाथ हमारा फ्री है ना उस समय। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा ये सिचुएशन के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ये सिचुएशन के लिए पहले क्लच को नहीं छोड़ना है, क्लच को दबा के रखना है, हाँ थोड़ा सा रेस्ट दीजिए इस सिचुएशन में। दूसरे प्लेन सिचुएशन में मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग क्लच को छोड़ते हैं उसी रेशो में आपको रेशो को यानी रेस्ट देना, ये बात बोलता है। लेकिन जब ऊंचाई पर अगर गाड़ी बंद हो गया तो इस प्रकार के सिचुएशन में आपका पैर फंस गया है ब्रेक के ऊपर, है ना, ब्रेकिंग किया है ना, ये ब्रेकिंग के ऊपर फंस गया, उधर का पैर आपका गियर शिफ्ट करके अपने जमीन पर रख दिया है ना, ये बात हो गया। अभी आपका दोनों भी हाथ है वो कैसे, एक रेसिंग के ऊपर थ्रोटल के ऊपर है, दूसरा है वो क्लच के ऊपर, है ना। तो इस सिचुएशन में ऊंचाई के ऊपर आपको पहले क्लच को नहीं छोड़ना है, क्लच को अपनी ओर ओढ़ के वैसे रखना है, और थोड़ा सा थ्रोटल देना है यानी थोड़ा सा रेस्ट देना है गाड़ी को, रेस्ट भले से थोड़ा माइलेज जाएगा चलेगा, थोड़ा सा रेस्ट देना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या करना है, क्लच छोड़ना है, लेकिन क्लच जैसा छोड़ते वैसे आपका ये जो ब्रेक है वो आहिस्ता आहिस्ता उठाने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता, है ना, तो आपकी बाइक आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगी पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि रेसिंग में रहेगी तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। फिर से देखो क्लच को सबसे पहले थ्रोटल को थोड़ा सा बढ़ा लो, बाद में अपना क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो, और वही सिचुएशन थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ते वही सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रेक को उठा दो, पैर थोड़ा सा उठा दो यानी फ्री कर दो ब्रेक को, तभी आपकी बाइक नीचे नहीं आएगी, आगे आगे चली जाएगी। अगर इस प्रकार के अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कभी कभी पीछे वाले बाइक को ठोक सकते हैं, बाइक पीछे जाके पीछे अगर गाड़ी कोई भी रहेगी उसको ठोक सकते हैं, तो इसका भी प्रैक्टिस करें। तो इसके मैं ट्रिक आप लोगों को बताया, जो ट्रिक तो नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।